इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। खांसी हवा का अचानक जबरदस्ती निष्कासन है जो गले या वायुमार्ग में किसी भी बलगम या जलन को दूर करने में मदद करता है। यदि यह किसी अंतर्निहित बीमारी या एलर्जी के कारण अधिक बार होता है तो यह परेशान करने वाला हो सकता है। ज़ीट सिर्फ गाढ़े बलगम को ढीला करने और उसकी चिपचिपाहट को कम करने में मदद करता है, जिससे खांसी में आसानी होती है। इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है। ये आंखों से पानी आना, छींकने, नाक बहने या गले में जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से भी छुटकारा दिलाएगा और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने में आपकी मदद करेगा। इस दवा को लेने से आप अपने लक्षणों को दूर करने वाली चीजों के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना अपना जीवन अधिक स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम होते हैं। इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। इसे मापने वाले कप से नापें और मुंह से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। ज़ीट सिर्फ भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। ज़ीट सिर्फ तीन दवाइयों का मिश्रण है, डिफेनहाइड्रोमाइन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट, जो खांसी से राहत दिलाता है। डिफेनहाइड्रोमाइन एक एंटीएलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आँख से पानी बहना और छींक आने की स्थिति में आराम पहुँचाता है। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम यानी कि कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और वायुमार्ग से इसे हटाने में मदद करता है। सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलिटिक है जो बलगम यानी कि कफ को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।